यार मानो या ना मानो, पर जहाँ पे सूर्य आते हैं ना वहाँ पे मतलब दम तो है भाई। वो सूर्य में इतना ज़्यादा दम है कि उनका जो चार्म है वही बहुत होता है एक स्टोरी को पिक करने के लिए। एक्टिंग की तो बात मत करो, और इस एज में भी सूर्य जो कमाल कर रहे हैं भाई, कमाल और धमाल कर रहे हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड मूवीज़ को पीछे छोड़ रहे हैं, और यहीं पर एक और ये मूवी लेके आ रहे हैं जिसका बजट ही 300 से 350 करोड़ है। और इसमें जो स्टारकास्ट है वो सुन के आपका दिमाग ख़राब होने वाला है, बिकॉज एक से एक बड़े स्टारकास्ट, एक से एक फेमस स्टारकास्ट, और वही स्टारकास्ट हैं जो अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं या जो हर एक मूवी में चल रहे हैं। सूर्या तो खुद ही हैं, और उनके साथ हैं योगी बाबू और दिशा पटानी और दी वन एंड ओनली लॉर्ड बॉबी देओल। और लॉर्ड बॉबी देओल भी इसमें हैं, और एक कुछ विलन का भी नाम था मुझे याद नहीं आ रहा, पर ये भाई इतना खतरनाक स्टारकास्ट लिया है। और दिशा पटानी का मैं एक रिकॉर्ड बता दूँ कि पिछले 8 साल से उनका कोई एक मूवी फ्लॉप नहीं गया भाई, सारे के सारे मूवी हिट हो रहे हैं। तो भाई बहुत बड़ा स्टारकास्ट लिया और पूरा एक प्रिपेयर करके 300 करोड़ खर्च किए। तो बात करते हैं हम स्टोरी के ऊपर। तो भाई 1678 में एक वॉरियर होता है जो कि एक डिजीज़, एक बीमारी की वजह से मर जाता है। अब वो कैसे मरता है उसके ऊपर एक लड़की जो होती है वो रिसर्च करती है कि कैसे 1678 में एक वॉरियर जो था एक डिजीज़ की वजह से मर गया था। और वो रिसर्च करते 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 भाई स्टोरी स्टार्ट होता है और पूरा स्टोरी आपको बताया जाता है। इसका जो इनिशियल रिलीज डेट है वो 11 अप्रैल 2024 का है, हालांकि जो रिलीज डेट है वो शिफ्ट हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन पूरा का पूरा सिनेमा के ऊपर है कि वो आगे पीछे करते हैं या नहीं करते हैं। बाद में बात करें भाई इसके पूरे सिनेमेटोग्राफी की, तो जो टीज़र निकल के आया है खतरनाक टीज़र है भाई, मज़ा आ गया देख के, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, माइंड ब्लोइंग है, ऑसम है। देखो मुझे इतना भरोसा है कि इसका VFX बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है और ये थिएटर में आग लगाने वाला है। जो एक मास मूवी जो लोग बोलते हैं ना, एक मास मूवी चाहिए, इंजॉयबल मूवी चाहिए, तो ये इस टाइप का ही ये मूवी होने वाला है। कल्कि भाई एक आने वाला है, तो ये कल्कि के लेवल का मूवी होने वाला है, तो इसके लिए भी आप तैयार हो जाओ। ये बहुत ही ज़्यादा धूमधड़ाका करने वाला है थिएटर में और बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद भी आने वाला है। बात करते हैं इसके टोटल रन टाइम की, तो ये जो चलेगा वो है 2 घंटे 25 मिनट के आसपास इसका रन टाइम होने वाला है, 2 घंटे 25 मिनट से 2 घंटे 2.5 घंटे का, तो इसके आसपास इसका रन टाइम होने वाला है। अगर आप थोड़े से भी ज़्यादा एक्साइटेड हो इस मूवी को लेके, या आपके पास कोई डिटेल है इस मूवी का जो मैंने नहीं बताया इस वीडियो में, तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।